आपकी कहानी और आपकी जुबानी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एक्टर सागर गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी कहानी आपकी जुबानी। तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के शहर झांसी से एक ऐसी शख्सियत के यहाँ जिसने अपने संघर्ष से एक नई कहानी लिखी, एक नया आयाम लिखा, एक नई प्रेरणा स्रोत बने लोगों के लिए। वो अभिनेता भी हैं और कविताएं भी लिखते हैं और मॉडलिंग भी करते हैं और झांसी में एक अच्छा नाम है उनका और आज हम उनके घर पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कितने सारे मेडल्स पाए आप देख सकते हैं सामने, कितने सारे मेडल्स हैं और इन सबको दिखाने का हमारा एक उद्देश्य था कि इसको देखकर शायद कोई स्ट्रगल जो भी हो वो मोटिवेट हो कि देखिए इस तरीके से सपनों को सजाते हैं हैदर जी, सपनों को सजाते हैं, उनको रोज़ देखते हैं इसलिए वो आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अभी हैदर अली जी के घर पर और हम आ गए हैं हैदर अली जी के घर के पास और ये रहे हैदर अली जी। तो सर कैसा आपका सफ़र रहा और हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूरे दर्शक जानना चाहते हैं कि कैसे आपने इस मुकाम को हासिल किया और कैसे आप आगे बढ़े, कहाँ आपका जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में चल के आपने इस फिल्म लाइन को चुना और कैसे आपको मिली और कैसे आपने इसमें अपने आप को साबित किया जो आज इस लेवल पर आप पहुंचे। सर मेरा नाम अली है, मैं समाजवादी हूँ। जैसा कि आपने पूछा मेरा जन्म हुआ, मेरा 4 मार्च 1986 दिल्ली में हुआ था और हम लोग पहले रहते दिल्ली। मेरे पिताजी जब मैं 14 माह दिल्ली से लापता थे, मैं पापा की फोन कर जगह जगह गया, लाजपत नगर रगड़ी उद्योग नगर दिल्ली पे, तो एक मैं दिल्ली में गया पीरागढ़ी दरियागंज के पास, वहाँ पे मैंने एक डायरेक्टर थे अभी अलावट जी, उनको कहा मेरे जी हैं तो आप मेरे पापा की फोटो टीवी में निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे पापा की फोटो टीवी निकाल देंगे पर स्मार्ट एंड यंग यू ट्राई इन टीवी सीरियल मॉडलिंग। तो टीवी सीरियल मॉडलिंग में काम चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने एक दिया था और पिताजी वो डायलॉग बोलने का मुझे अक्टूबर को, तो फिर मैं वही लोग लेके गया, वो पिताजी संबंधित था, वो डायलॉग कार था। ये मेरा पहला डायलॉग जिसे मुझे टीवी से में काम मिला था वो इस प्रकार है कि फादर की स्नैप रखी है, आपका घर जायदाद सब कुछ बिक चुका है, अब आप वो डायलॉग बोल रहे हैं। पिताजी की सजा मिल रही है, ये लोग ना जाने क्यों मेरी जान नीचे पड़े। पिताजी अगर आप जिंदा होते तो ये घर में गिना होती और इज्जत की नीलामी होती, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। पिताजी या तो आप मुझे अपने पास बुला लो या मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं इससे मुकाबला कर सकूं। पिताजी सफल था, मगर पापा के जाने के मुझे भी हार्ड वर्क करना क्योंकि घर की पूरी जिम्मे मेरे ऊपर आ गई थी। तो मैं ट्यूशन पढ़ा अपने घर का खर्चा चलाता था और पार्ट टाइम में शूटिंग काम करता रहता था। इसी बीच मेरे साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। क्या हूँ आपको कि मेरी मम्मी को 2016 में फालिस का अटैक पड़ गया। मेरा दिमाग नहीं कर रहा आता है, जब घर पे कोई परेशानी आती है तो रिश्तेदार काम नहीं आता, न दोस्त काम आया, ना काम आता है, ना रिश्तेदार काम आते। मेरी मम्मी को फालिस का अटैक पड़ा, मैं अभी नहीं थे और मट्टा पट्टा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या ना मेरी मम्मी बोल पा रही कुछ कर पा रही। मैं सीधे मम्मी को मेडिकल में गया, कहा डॉक्टर साहब मेरी मम्मी को फालिस पड़ गया, आप इंशा ठीक है बेटा एडमिट कर लो। फिर मैं ले गया फिर डॉक्टर दवाई फिर उनका इलाज चला। तो ये साथ बहुत ही ट्रेजेडी हुई, ये बात भी मत नहीं आया मम्रो मिल रहा है। इसमें मेरे यहाँ जहाँ मंत्री हैं जैन जी और अरविंद जी, उन्होंने मेरी बहुत बड़ी मदद की, दोनों ने बड़े भाई की मदद करी और फाइनेंस प्रॉब्लम उन्होंने मम्मी आज के लिए महीने पैसे थे। फिर उनका दिल रहता करता हूँ, फिर मैंने मम्मी का इलाज करवाया और शूटिंग कर गया, फिर मेरी मम्मी थोड़े करके ठीक गई। और इसी तरह पापा के जाने के मेरी बहन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, तो फिर मैं इसी तरह मैं
राजेश मित्तल जी जो मुंबई में है, मैं आगे गया, उनका फोन आया, यहाँ पे उन्हें चंदा होटल में जादिशन लिया था शहीद चेहरा जान, जिसमें ब्रिटिश का रोल किया। आप यूट्यूब डालकर देख सकते हैं, उसका प्रोमो देख सकते हैं, उसमें ब्रिटिश का रोल किया। डायरेक्टर राजेश मित्तल जी है जो की ऐसे है। फिर उन्होंने यहाँ पे ऑडिशन लिया, सिलेक्शन हो गया था, उन्होंने मुंबई बुलाया, अरे हैदर तुम लग रहे हो तो मैं तुम्हें इसका रोल दे देता हूँ। फिर उन्होंने मुझे साइन किया और मैं बार बार इसी तरह मेरा शूटिंग पे जागा। फिर मुझे मिलने लगे, कम मिलते थे, बी ग्रेड, फिर अब मैं ए ग्रेड गया, मुझे 1000 और अच्छा लगता। जैसे फंडा म्यूजिक लहर और फिर मैंने बड़ी फिल्म, फिर मैंने दंगा फिल्म शॉर्ट फिल्म, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, लड़के मैच शॉर्ट वो भी आप कॉटेज। इसके कारण समीर सर है, इसमें ही मैंने इसका कॉमेडी किया है क्योंकि इसका फिल्म उसने पुलिस रोल था, तो मुझे लगता है और जिंदगी चलता ही है, पर धीरे धीरे करता इनको और मैंने का भी था। फिर धीरे फिर मैं पहले फिर मैं सीमा आया तो फिर मैंने सब लोग कहने लगे, हैदर यार दोस्तों ने कहा तुम इतनी अच्छी शायरी कर ले तो अपनी बुक क्यों नहीं निकाल लेते। तो मेरे 2011 में सबसे पहले मेरी बुक निकली थी, ये देखिए युवा। मैं एक्टर होने के साथ साथ एक शायर भी हूँ और मैं शायरी का शौक शुरू से ही था। तो मैं जहाँ से आया तो मैं दोस्तों ने कहा कि बेटा हैदर तुम शायर हो तो शायरी की बुक भी क्यों निकाल लेते। तो मैंने ये 2011 में शायरी की बुक निकली थी, हर साल निकलती है युवा दिलों की शायरी, ये अभी तो 2021 की है, ये नई देखिए युवा दिलों की शायरी। और एक बुक निकलियाँ और एक युवा दिलों की शायरी, इसमें युवा दिलों के लिए शायरी और देशभक्ति शायरी है जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। जैसे रुबाइयों में तो यह है कि देश के ऊपर शेर है कि जो लोग मुल्क की मिट्टी के वफादार नहीं हैं वो लोग किसी रहम के हकदार नहीं हैं, जो लोग मुल्क की मिट्टी के वफादार नहीं हैं वो लोग किसी रहम के हकदार नहीं हैं। भारत पे फिदा होने का अरमान है दिल में, भारत पे फिदा होने का अरमान है दिल में, हम लोग दार हैं गद्दार नहीं हैं। ये शेर है और देशभक्ति के ऊपर शेर अर्ज है एक और कि जो लोग हम लोग के मुसलमान होने पर हिंदुस्तानी होने पर डाउट करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मुकम्मल है इबादत दिल में वतन ईमान रखता हूँ, वतन की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। मुकम्मल है इबादत दिल में वतन ईमान रखता हूँ, वतन की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। क्यों देखते हो मेरी आँखों में पाकिस्तान का नक्शा, क्यों देखते हो मैं पाकिस्तान का नक्शा, मुसलमान हूँ सच्चा दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। जय हिंद। ये देशभक्ति शायरी होगी, इसी तरह युवा दिलों की शायरी। जैसे फ्रेंड लोग होते हैं जाते हैं तो उनसे कहता हूँ कि हम ना होते तो गज़ल कौन कहता, इस हसीन चेहरे को कमल कौन कहता, हम ना होते तो गज़ल कौन कहता, इस हसीन चेहरे को कमल कौन कहता, ये सिलसिला है मोहब्बत का वरना, ये सिलसिला है मोहब्बत का वरना, पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। बस फ्रेंड की जुल्फी होती है, उनके जुल्फों के ऊपर कह रहता हूँ कि जुल्फ लहराई तो बादल छा गया, जुल्फ लहराई तो बादल छा गया, रानी मुखर्जी को देखकर चांद भी शर्मा गया। तो आपने रक्तदान भी किया है जैसे कि हम देख रहे हैं, और काफ़ी आपका बहुत ज़्यादा हर चीज़ वायरल हो जाती है, और ये तो अल्लाह का करम है आप पे जी। और दूसरी चीज़, आपने काफ़ी रक्तदान भी किया है, अब हमने इतना अभी हमने क्लियर नहीं पता, बट आप अपने खुद अपने मुंह से बताइए कि आपने कितनी बार रक्तदान किया और आपको कितना सम्मानित क्या किया गया। जी आपने सही कहा, मुझे रक्तदान करना अच्छा लगता है, ये एक नेक काम है, इसमें सबको आगे बढ़ना चाहिए।
मैं अब तक 39 बार रक्तदान कर चुका हूँ। और पहले मैं साल में 2 बार रक्तदान करता था, और अब मैं साल में 4 बार रक्तदान करता हूँ, जैसे 1 अक्टूबर को, 14 जून को, नए साल को, और चौथी बार जब किसी को ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी फ़ोन आता है, तो मैं उससे रक्तदान करने चला जाता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल में दे रखा है, जब भी किसी को रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास फ़ोन आता है और मैं बिना किसी जाति भेदभाव के रक्तदान करने चला जाता हूँ। उसके बाद जो उनके घर वालों से दुआ मिलती है वो हमेशा लाइफ टाइम काम आती है। और आपने पूछा मुझे रक्तदान करने पर, झांसी के DM सर, झांसी के CMS सर, झांसी के CMO सर, पूर्व मंत्री प्रदीप जैन जी, शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ जी, डायरेक्टर राम बुंदेला जी, समीर खान सर और राजेश मित्तल जी, और अनेक सामाजिक संस्थाओं जैसे विंग्स और लॉयन क्लब द्वारा शील्ड, ट्रॉफी और शॉल देके सम्मानित किया जा चुका है। ये रक्तदान एक नेक काम है, रक्तदान करके देखो अच्छा लगता है। तो देखा दोस्तों किस तरीके से हैदर अली जी फिल्म लाइन में भी सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं समाज सेवा में भी सक्रिय हैं, और बहुत शानदार तरीके से वो कहीं ना कहीं झांसी, बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश और कहा जाए तो पूरे भारत में एक मिसाल हैं, और लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छी बात जो आप इनको देख रहे हैं, एक पेपर ग्लो है, एक खूबसूरती है, इसके इतने सारा संघर्ष करने के बाद अभी भी इनके पास ग्लो है। तो जैसा इन्होंने कहा कि रक्तदान कीजिए अच्छा लगता है, तो दोस्तों आप सभी भी रक्तदान करिए, क्योंकि आपको अगर ऐसे ही चमक अपने चेहरे पर लानी है हैदर अली जैसी, तो आप लोग भी रक्तदान करें और ऐसे ही चमक पाएं। तो हैदर अली जी आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपके अपने जीवन कैरियर में, अपने जीवन में जो भी आपने संघर्ष किया और आपने उपलब्धियां पाई या जो भी निराशा पाई, और उस निराशा से क्या सीखा और उस उपलब्धि से क्या सीखा, तो आप हमारे दर्शकों को, आम लोगों को और जो भी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए क्या आप बताना चाहेंगे और क्या उनको आप एडवाइस करना चाहेंगे कि वो क्या करें, या आपने अपने संघर्ष से क्या सीखा, तो आपसे चाहेंगे कि लोगों को आप जागरूक करें और मोटिवेट करें। यस सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो ऊपर वाले पे भरोसा रखें और अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो आप सारी दुनिया जीत के भी हार जाएंगे। क्योंकि मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि माँ शब्द का अर्थ क्या होता है, माँ शब्द का अर्थ होता है ममता का दया सागर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 किलो का भारी पत्थर अपने पेट में बांध के घूमो, तो आप कहोगे हैदर भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और माँ वो होती है जो 9 महीने हमें अपने पेट में पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, हमारी सारी दुख तकलीफ बर्दाश्त करती है, और हम बड़े होकर उनसे तू तड़ाक से बोलेंगे, उनकी इज्जत न करें तो हम पढ़ लिख के भी अनपढ़ के समान हैं। अगर आपके पेरेंट्स, वालदेन, माँ बाप आपसे खुश नहीं है, तो आप सारी दुनिया जीत के भी हार जाओगे। आपके कॉलेज के बाहर लोगों के पास अपनी फ्रेंड के वेट करने के 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम है, और बाहर वेट करते रहते हैं, दोस्तों के लिए इंतजार करते हैं, माँ कहती रहती है 1 कप चाय बना दो, तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। माँ कहती है दवाई ला दो बेटा, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप कैसे जीवन में सक्सेस हो पाएंगे? अगर आप एक्टिंग में, किसी कैरियर में, एक्टिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऊपर वाले पे भरोसा रखें और अपने माँ बाप की इज्जत करें। यही मैं सब करते आ रहा हूँ, और आज मैं एक्टर, शायर और समाज सेवी हूँ। और आप में लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, अपने बड़ों का आदर करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि उनके बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ते। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर टीचर, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, एंड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इफ यू अडॉप्ट दिस 5-10 cents इन योर लाइफ, योर फ्यूचर विल बी ब्राइटनेस। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से आप अभी देख रहे थे हैदर अली, जो कि फिल्म और टीवी सीरियल के कलाकार हैं और समाज सेवी भी हैं, और कहीं ना कहीं रचनाएं लिखते हैं, लेखक भी हैं। तो चलिए दोस्तों,